फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी आने वाला है करवा चौथ, और करवा चौथ में सभी ने बहुत सारी ख़रीदारी शुरू कर दी होगी, और जिसने नहीं शुरू की है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने का मौका फिर दोबारा कहाँ मिलता है। करवा चौथ पे बहुत सारी ख़रीदारी करनी होती है। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने आई होप लिस्ट बना ली होगी कि आप सभी को क्या क्या परचेज करना है इस करवा चौथ। और करवा चौथ पे आप सभी जानते हैं कि सभी को खूबसूरत दिखने का पूरा हक होता है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी सुहागन स्त्रियाँ हैं, औरतें हैं, उनको वाकई उस दिन अच्छे से सजना संवरना चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसा चलता है कि आदमी डेली रूटीन में सज संवर के नहीं बैठ पाता है, और मेकअप वगैरह सारी चीज़ें इतना हैवी कर नहीं पाता, लेकिन हाँ, उसकी संस्कृति से और इस कुछ त्योहारों की वजह से हमें सजने संवरने का कम से कम एक तो मौका मिलता ही है। तो साल में एक दो बार जो लेडीज़ों को मौका मिलता है, वो जो मौके हैं उन्हें बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, और सारी लेडीज़ को ज़रूर सजना और संवरना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और आपका इस बारे में क्या ख्याल है ज़रूर कमेंट में कमेंट करके मुझे बताइएगा। सो लेडीज़ एंड गर्ल्स, आप सभी को मैं आज बताने वाली हूँ कि आप सभी कैसे एक नया लुक ट्राई कर सकते हैं, और बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई भी इतना क्रिटिकल नहीं है कि आप इसको कर ना पाएँ। बहुत ही मैं क्या बताऊँ, अगर मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ तो आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें मेरे को करना पॉसिबल नहीं होता है, मैं वही चीज़ें करती हूँ जो थोड़ी इजी होती है। तो ये बहुत इजी है, आप सभी आराम से कर सकते हैं। मैं आपको, आप मेरे हेयर्स देख रहे हैं, बहुत लॉन्ग हेयर्स नहीं है, शोल्डर्स लेंथ हेयर है, तो मैं अपने हेयर्स पे आपको जूड़ा बना कर दिखाऊँगी, आप कैसे अपने हेयर को जूड़ा बना सकते हैं, बन बना सकते हैं, छोटे से हेयर में भी एक बड़ा बन बना लेंगे आप। और क्योंकि साड़ी पे जो बन है ना, वो बहुत खुल के आता है, एकदम मज़ा आ जाता है देखने में, तो अगर आप साड़ी पहनिए तो बन ज़रूर बनाइए, और बन बनाने के बाद कुछ डेकोरेटिव मटेरियल भी ज़रूर लगाइए। सो गाइस, यही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आपको कैसे अपने हेयर स्टाइल करने हैं और कैसे आपको अपने मेकअप करने हैं। तो ये सारे सिंपल है, सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो आप आराम से, कोई भी हुए, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सभी के लिए ये बहुत ही इजी गोइंग है, आप सभी आराम से कर पाएंगे इसे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत एडवांस में बधाइयाँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट। देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर दे दीजिएगा और इसे शेयर कर लीजिएगा। सो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, बालों का जूड़ा बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो चाहिए ये डोनट, तो आपको इजली शॉप पर मिल जाएगा, या अगर आपको शॉप पर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसका लिंक और जो भी चीज़ें मैं यूज करूँगी उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो चलिए जूड़ा बनाते हैं।
गाइज, इस बार मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल लाइट मेकअप करूँगी, क्योंकि कोरोना का टाइम है तो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, कम मेकअप करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए मैं इस बार सिर्फ यूज करूँगी बीबी क्रीम। तो चलिए बीबी क्रीम को यूज करते हैं। और फैन चल रहा है, इसकी वजह से थोड़े से हेयर हमारे हवा में उड़ रहे हैं। मैं यूज कर रही हूँ लूज पाउडर। इसके बाद गाइज मैं फिनिशिंग पाउडर यूज करूँगी। तो इसमें भी वाइप्स दिए हुए हैं इस तरह से, बट मैं ब्रश का यूज करती हूँ। इसके बाद मैं यूज करूंगी गाइस काजल। तो ये मेरी आईज में काजल भी लग गया है। और इसके बाद मैं यूज करूंगी मस्कारा। और जैसा कि मैं बता रही हूँ, मैं आई लीड पे और ये सब चीज़ें आज नहीं यूज करूँगी, अवॉइड करूँगी इन सब चीज़ों को, सिंपल मेकअप। सॉरी गाइज, बाय मिस्टेकली लिपस्टिक लगाने के वक्त का, और मैंने लगाया है ब्लश अपने चिक पे, तो ये दोनों चीज़ें मैंने अपने फेस पे लगाई हैं। आप देख सकते हैं ब्लश शाइन कर रहा है और मैंने लिपस्टिक लगाई है, और बाय मिस्टेकली वो जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। आई एम सो सॉरी दैट। सो गाइज, फाइनली अब आ गई है बारी हमारे माथे की बिंदिया लगाने की। तो ये लीजिए, मैंने बिंदी भी लगा ली। और फाइनली एक जो इंडियन लेडीज़ होती हैं करवा चौथ के लिए, वो बिल्कुल मेकअप रेडी है और बिल्कुल सिंपल सादा सा मेकअप है, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं है। सो गाइज, अब चलिए मैं पूरी तरह से तैयार होकर आती हूँ आप सभी के सामने, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सभी ने मेरा आज का ये लुक देखा, मैंने बहुत ही सिंपल लुक कैरी किया है इस करवा चौथ को,
और आपने जैसा कि देखा मैंने मेकअप भी इस बार बहुत कम किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा झंझट ना करना पड़े, बहुत ही सिंपल सरल तरीके से आप करवा चौथ पे सजे तो भी आप बहुत खूबसूरत दिखेंगे। देखिए अगर मैं आपको थोड़ी भी करवा चौथ पे अच्छी लग रही हूँ तो मतलब करवा चौथ तो आने वाला है, बट अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ फिर मिलूंगी, तब तक के लिए हैप्पी करवा चौथ।